अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और मेरी तबीयत माशाल्लाह और बेहतर हो गई है। तो ये कि मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज जो है कि बहुत स्वीट सी और अच्छी सी डिश बना के दिखाऊँ जो कि बहुत आसान हो। तो मैंने सोचा एक मीठे में कुछ हो जाना चाहिए, कस्टर्ड। तो मैंने कस्टर्ड बनाने की तैयारी कर ली है, मैं सामान ले आया हूँ और आइए लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड कैसे बनता है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें, ये तो हमने देखें कस्टर्ड में जो गार्निशिंग का होता है, जो कस्टर्ड में सामान डलता है, केक, ये फ्रूटी केक है। ठीक है, आपने अपने हमने वैसे 2 किलो दूध का बना रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने केक ले लिए, 4 अदद इस तरह के केक आपने ले लेने हैं। ठीक है, फ्रूटी केक, ठीक है, जितने आपको डालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जाली है, जाली ले लेनी है, आपको जितनी जाली का इस्तेमाल रखना है उतनी जाली आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देख लें, ये जो है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 16 स्पून तकरीबन, ये 16 स्पून जो है ना हमने शुगर ले ली है। ठीक है, हम क्योंकि 2 किलो दूध का बना रहे हैं कस्टर्ड, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। और उसके बाद यहाँ आ जाएं, ये देखें, ये हमने 8 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है, किसी भी कंपनी का आप कस्टर्ड ले सकते हैं। ठीक है, 8 टेबल स्पून, ये 16 टेबल स्पून है। ठीक है, अगर आप 1 किलो का बनाएंगे तो ये 8 टेबल स्पून लेंगे और ये 4 टेबल स्पून लेंगे अगर 1 किलो का बनाएंगे। अभी हम 2 किलो का बना रहे हैं तो इसमें हमने 8 टेबल स्पून ये कस्टर्ड लिया है और ये जो है हमने 16 टेबल स्पून लिए। ठीक है, ये सारा ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स है नहीं। अच्छा, अब आ जाएं हमारे दूध के ऊपर आ जाएं। अच्छा जनाब, ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा दूध है जो कि हमने तकरीबन 20 मिनट से चढ़ाया हुआ है और ये बिल्कुल गर्म हो गया है और इसमें उबाल आने वाली है। तो जब देखें इसमें एक उबाल आ जाए तो आप इस दूध, ये देखें इसका आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। ये आपका दूध तकरीबन 15 से 20 मिनट आप सही से गर्म कर लें जनाब। ये देखें माशाल्लाह से हमारा दूध। अच्छा, अब ये आप सबसे पहले इसका 1 कप दूध आप निकाल लें। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कस्टर्ड है वो पाउडर की शक्ल में है, उसको लिक्विड में चेंज करना है हमने। ठीक है, ये देखें आप, ये दूध निकालने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद का प्रोसेस। ये देखें आपने दूध निकाल के रख लिया है। ठीक है, ये जनाब ये देखें 1 कप दूध जो था ये आपने डाल दिया इसके अंदर, एक छोटा सा बाउल ले लें कस्टर्ड को लिक्विड में। तब ये देखें ये कस्टर्ड है, ये कस्टर्ड आपने डाल देना है। ये देखिए ये कस्टर्ड को इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि वो लिक्विड शक्ल में आ गया आ जाएगा दूध के साथ। ये जनाब ये देखें ये कितना अच्छा प्यारी लिक्विड में आ गया, ये हमारा सही से मिक्स हो गया है। ठीक है, अब इसी को जो है ना आप अपने कस्टर्ड में डाल दें। ठीक है, जो कस्टर्ड का दूध था उसमें आप डाल दें, वो हमने बना के रख लिया। ठीक है, अच्छा ये जो शुगर है पहले आप शुगर डाल दें। ठीक है, ये देखें दूध में आप शुगर डाल दें, शुगर डाल दिए आपने, इसको थोड़ी देर चला लें आप इस तरह से। ये शुगर देखें सही तरह से मेल्ट हो जाएगी उसके अंदर। ये शुगर डालने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 मिनट चला लें जनाब। ये देखें चीनी मेल्ट हो गई है, फिर हमने जो ये लिक्विड में कस्टर्ड बना के रखा था आप ये डाल देंगे इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इस तरह से आपको चम्मच घुमाना है और ये कस्टर्ड अपना आपने डाल देना। ठीक है, कस्टर्ड हम डाल चुके हैं, कस्टर्ड का जो लिक्विड बना लिया था हमने, इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट देखें आप इस तरह से चला लें। कस्टर्ड लिक्विड जो आपने डाला है इस तरह से आप चला लें। ये हमारा कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, वनीला कस्टर्ड हमने फ्लेवर लिया है वनीला। ये देखें जनाब ये हमारा बस 2 मिनट हमने चलाया, ये हुआ कस्टर्ड बनाना, बहुत आसान। ये हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह से रेडी हो गया। अब हम किस तरह सर्व करना है कस्टर्ड को हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब ये हमने उतार लिया, ये हमने इसमें देखें, ये आप केक जो था आप केक को पहले नीचे इसकी लेयर बना लें केक की। ठीक है, इसमें पे देखें कस्टर्ड डाल दें इस तरह से। ये देखें जनाब ये गार्निशिंग का अमल चल रहा है। ठीक है, हमने ये कस्टर्ड लेयर बनाई थी पहले केक, अच्छा केक का जो चूरा था वो लेयर बनाई थी, उसके बाद हमने कस्टर्ड डाल दिया था, उसके बाद केक की हमने गार्निशिंग कर दी फ्रूटी केक की, उसके बाद केक का जो चूरा किया था वो भी ऊपर से डाल दिया, ये जाली आ गई इसकी। ठीक है जनाब, ये गार्निशिंग भी हो चुकी है,
इसमें जेली डल चुकी है, ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत मुंह में टेस्ट आ रहा है कि बस फ़ौरन से इसे तनावुल फरमा लिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये देखें केक कितना प्यारा, केक की जो लेयर बनाई है साइडों पे कितनी प्यारी लगी, गार्निशिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। और सेकंड वन, आप इसमें फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग बनाना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमने नहीं किया, ठंड का मौसम है इसलिए भी। और ठीक है, आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी दुआ में मुझे याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा, और शेयर एंड वीडियो वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होगा। आपका खिदमत गुजार ज़ीशान इस्लाम, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।